हमारे यहाँ पे जागरूकता के अभाव में क्या होता है कि हमारी जो भी जनता है वो 2-4 हजार रुपया के बचाने के चक्कर में बहकावे में अपनी जान से खिलवाड़ करवाते हैं कि जो भी गलत तरीके से अवैध नर्सिंग होम चलाते हैं उस पर नकेल कसे। और जांच में जितने भी बड़े बड़े संस्थान थे नर्सिंग होम के, यहाँ पे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जितने भी बड़े बड़े संस्थान थे जो अपने आप को बहुत बड़े हॉस्पिटल के ऑनर समझते थे या डॉक्टर समझते थे, जिसको बहुत सारे लोग समझते थे कि ये संस्था रजिस्टर्ड होगा, लेकिन तमाम संस्था जो है वो फर्जीवाड़ा निकला। कहीं डॉक्टर संतोष सिंह कुशवाहा हुआ, हमारे इलाके विधानसभा क्षेत्र से ही आते हैं। आज का मेन मुद्दा यह है कि जैसे कि आप लोग को कुछ दिनों से पिछले विगत कई सप्ताहों से चल रहा है कि आपने देखा कि हरलाखी प्रखंड का स्पेशली अवैध नर्सिंग होम वाला जो भी मुद्दा है वो काफ़ी प्रकाश में आ रहा है। तो आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने के पीछे मेरा रीज़न यही है कि हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं और प्रशासन का जो मधुबनी प्रशासन है उससे हमारा निवेदन रहेगा कि वो हमारे प्रखंड की तरफ देखें, यहाँ पे जो भी गलत हो रहा है जिससे जनता ही मार खाती है। तो हम सिर्फ जनता को जागरूक करना चाहते हैं और प्रशासन से चाहते हैं सपोर्ट कि जो भी गलत तरीके से अवैध नर्सिंग होम चलाते हैं उस पर नकेल कसे। पिछले विगत सप्ताह राघवेंद्र रमन जी है जो मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं और हमारे छोटे भाई यहीं से आते हैं बिहार से, इन्होंने RTI दायर किया था। और जैसा कि आप ही लोग के माध्यम से देखे थे पेपर में कि गाँव में 6 हॉस्पिटल नर्सिंग होम को सील करने और 50,000 रुपये का फाइन किया गया था। बात हमारा ये है कि 6 ही क्यों, ऐसा तो नहीं उमगाँव में 6 ही चलता है। उमगाँव प्रखंड में, हरलाखी प्रखंड में उमगाँव आती है, यहाँ पे तो बतेरो है। दूसरा चीज़ जनता के लिए मेन हमारा ये है कि कल ही हम एक न्यूज़ देखे, कोई न्यूज़ वाला है बुद्धदेव करके वो चला रहा था, तो उसमें काफ़ी लोग बाइट दे रहे थे। एक बंदा बता रहा था कि हमसे मुझे पीछे में इन द सेंस पाइल्स जिसको हम एम्ब्रॉइड करते हैं उसका ऑपरेशन 12,000 में कहीं पे करवाए और बीमारी से इतना ज़्यादा ग्रसित हो गए कि उनको दरभंगा जा करके 1.5 लाख रुपया लगा प्लस 1 साल उसका इलाज चला। ये क्यों हुआ? जागरूकता की एक कमी है। आप लोग समझदार लोग हैं, आप लोग जानते हैं कि कोई भी डॉक्टर किसी मरीज़ का ऑपरेट करता है ऑपरेशन से पहले एक टेस्ट होता है जिसको PAC कहते हैं, उसका फुल फॉर्म है प्री एनेस्थेटिक चेकअप। एनेस्थीसिया जो बेहोशी के डॉक्टर होते हैं वो पूरा चेक करते हैं, उनको चेक करके वो फिटनेस देते हैं तभी मरीज़ को अंदर लेते हैं। हमारे यहाँ पर जागरूकता के अभाव में क्या होता है कि हमारी जो भी जनता है वो 2-4 हजार रुपया के बचाने के चक्कर में बहकावे में अपनी जान से खिलवाड़ करवाते हैं। उससे क्या होता है कि जो चीज़ एक कोई भी ऑपरेशन नॉर्मल एक ऑपरेशन जैसे कि CS होता है, सीजरियन सेक्शन जिसको कहते हैं, फुल फॉर्म LSCS भी कहते हैं उसको, यहाँ पे हमें जैसा पता है और बहुत सारे जगह पे देखने को मिला है 12 से 14 हजार में कर देता है। आप लोग जानते हैं कि एक जिसको स्टिच कहते हैं हम लोग, आप लोग गाँव घर में जिसको कहते हैं कि क्या कहते हैं उसको, टाका मारा जाता है, वो एक जो उसका जो धागा आता है वो 1100 कुछ रुपये का आता है जो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी बनाती है। सेम डुप्लीकेट मार्केट में 200 और 250-300 में मिल जाता है। जो डॉक्टर आपको 12 हजार में ऑपरेशन करेगा वो कहाँ से लाएगा आप सब हमें बताइए। 12 हजार में अगर आपका ऑपरेट करता है 7 दिन आपको रखता है, पर डे अगर कुछ भी कम मिनिमम मत दवा चलाएगा तो 1000 रुपये का चलाएगा, 7000 रुपया उसका चला गया ना। वो प्री एनेस्थेटिक चेकअप करेगा, करेगा ही नहीं क्योंकि वो एनेस्थीसिया अभी खुद ही देना है उसको, सब काम उसको खुद करना है। इसके वजह से क्या होता है कि जनता जो है हमारे वो कम पैसे में चाहता है कि हमारा इलाज हो जाए, उसकी खामियाजा उसे जान देकर के चुकाना पड़ता है। तो क्या अपील करना चाहिए यहाँ पे? हम यहाँ के जनता से एक ही चीज़ अपील करना चाहते हैं, जागरूक बनिए। किसी भी डॉक्टर के पास आप जाते हैं वो आपको 2000 रुपये का टेस्ट लिखता है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए टेस्ट, अपने लिए टेस्ट लिखता है, वो आपके फिटनेस ही देखता है, आपके शरीर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हमारे हम आप लोग को जैसा पता है कि हम खुद हॉस्पिटल चलाते हैं, लाइफलाइन हॉस्पिटल मेरा सहरघाट में है, हमने वहाँ पे बहुत देखा है ऐसा, हमारे पास बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं जिसको बीमारी का घर होता है, घर बना रहता है, 4-5 बीमारी रहता है, लेकिन लेकर के क्या आएगा, बहुत गैस बन गया है, कभी BP नहीं चेक कराया होगा, कभी ब्लड चेक ही नहीं करवाया होगा अपने लाइफ में, तो उसको कैसे पता होगा कि हमें क्या है। तो इस तरह की घटना काफ़ी है, दयनीय है। तो हम बस जनता जो भी है उससे मेरा अपील है कि आप कहीं भी कराएं, एक रजिस्टर्ड हॉस्पिटल के पास कराएं, आपका हक बनता है, जनता का हक है आज के दिन में कि अगर हम डॉक्टर हैं जनता को देखते हैं 10 दवा लिखते हैं तो उसका हक बनता है कि पूछने का कि ये दवा आप हमको क्यों लिख रहे हैं। ये हर एक पेशेंट का अधिकार है जानना कि आप हमको ये दवा क्यों लिख रहे हैं, यहाँ तक कि कोई टेस्ट लिख रहे हैं तो वो भी डॉक्टर को क्लियरफाई करना पड़ेगा कि ये टेस्ट क्यों लिख रहे हैं, इससे हमको क्या दिखेगा। तो हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं,
दूसरा चीज, इस बीच में जो भी अवैध नर्सिंग होम का जो भी चला है, पता चल रहा है कि बाहर से बंद दिखा दिया गया, अंदर सब काम हो रहा है, इस तरह का भी मैटर चल रहा है। हम तो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, हम इसमें हमारे पास उतना ज़्यादा वक्त नहीं था, लेकिन हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं भाई राघवेंद्र का कि उन्होंने अपने समाज के लिए यहाँ पे कुछ भी किया। आखिर कोई भी जनता मरती है, कोई भी मरती है, आखिर हमारा ही समाज है, हमारे ही घर के लोग हैं। तो हमारे हिसाब से सबसे पहला चीज़ है जागरूकता की कमी है। जनता के पास ये संदेश जाना चाहिए कि एक 2000 या 4000 बचाने के चक्कर में आप जो छोटे मोटे क्लिनिक खोल करके कहीं से सीख करके आ गए हैं, उससे आप ऑपरेट करवा लेते हैं तो आप अपनी जान को जोखिम में खुद डालते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि वो गलत है, हम किसी कोई भी नर्सिंग होम चलाता है, जितना उस डॉक्टर की गलती है उतना ही जनता का भी गलती है, दोनों की 50-50% गलती है। और यहाँ पे जो भी अवैध नर्सिंग होम चल रहा है, चाहे जो भी है, कहीं के भी डॉक्टर है, हमें जहाँ तक नॉलेज है कि लोकल एक दो ही है, लेकिन सब यहाँ पे क्यों अवस्थित है? लोकल सपोर्ट की वजह से। किसी को हम सपोर्ट करते हैं, किसी को राघवेंद्र सपोर्ट करता है, किसी को आप सपोर्ट करते हैं, लोकल सपोर्ट की वजह से वो यहाँ पे हमारा ही जनता का पैसा लेकर के हमारी ही जनता को मार रहा है। बस जनता में हम जागरूकता लाना चाहते हैं कि जो सच है, दो पैसा बचाने के चक्कर में जान से खिलवाड़ ना करे, अच्छे जगह पे जाए, अच्छा इलाज करवाए। सरकारी अस्पताल की व्यवस्था आप जानते ही हैं, अगर सरकारी अस्पताल की व्यवस्था सही हो जाए तो लोग सरकारी अस्पताल में जाकर के कम पैसे में अपना इलाज करवाएंगे। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कहीं ना कहीं इसमें सरकार और जो प्रशासन, अस्पताल प्रशासन है, सिविल सर्जन है, इन लोगों की कमी है, इस व्यवस्था को नहीं सुधार रहे हैं लोग? देखिए, ये तो है, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, सरकार के पास इतना पावर है कि हर एक चीज़ चाहे तो 24 घंटे में बदल सकती है। लेकिन जैसा आप लोग अभी जान रहे हैं, जनरल लाज पार्ट 2 चल रहा है, तो इसमें क्या कहना। अभी हमारा जो हेल्थ मिनिस्टर है, ड्यूटी सीएम के पास ही हेल्थ मिनिस्टर है, वो खुद उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको पता होगा, तो उसे क्या पता होगा कि हमें किस डॉक्टर से क्या करवाना है और कहाँ पर हमें कैसे मैनेज करना है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ आती है जागरूकता और शिक्षा, जहाँ नहीं होगी, हमारे हेल्थ मिनिस्टर 10th पास नहीं है तो क्या बताएंगे कि हमारा हॉस्पिटल कैसे रन करेगा, कोई चीज़ कैसे रन करेगा। अच्छा, ये बताइए, विभिन्न समाचार पत्रों और विभिन्न न्यूज चैनलों के माध्यम से ये स्पष्ट हो गया है कि गाँव में 6 फर्जी क्लिनिक अभी संचालित है, बावजूद लोग वो अभी भी वहाँ इलाज करवाने के लिए पहुँच रहे हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने के पीछे यही मेरा रीजन था, यही मेरा फोकस है कि जनता को जागरूक करने की ज़रूरत है। हम यही बात रह करके रिपीट क्यों कर रहे हैं कि जनता को जागरूक, दो पैसा बचाने के चक्कर में हम क्या बोले हैं, डॉक्टर की गलती नहीं, जनता की भी गलती है। आप कहीं भी आप एक चीज़ सिंपल कहते हैं, मार्केट में जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए तो गंदा सब्जी और अच्छा सब्जी देख करके खरीदते हैं कि नहीं, और जहाँ पर जान की बात आती है तो वहाँ पर आप पैसा देखते हैं। तो ये जनता की भी गलती है, ऐसा नहीं कि डॉक्टर की ही गलती है, डॉक्टर की गलती तो है, जनता की भी गलती है जो अपना दो पैसा बचाने के चक्कर में अपनी जान से खुद खिलवाड़ करते हैं। अंत में क्या कुछ कहना चाहेंगे? अंत में हम ज़्यादा ना कुछ कहते हुए इतना ही कहना चाहेंगे कि जो भी जिला प्रशासन है, हमारे सिविल सर्जन सर है या डीएम सर है, अभी जो भी हुआ है, भाई राघवेंद्र भी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं आज, इनके द्वारा जो भी किया गया है, 6 क्लिनिक पे नकेल कसा गया है, उसको बंद करने का नोटिस, 50,000 का फाइन दिया गया है, लेकिन 6 ही नहीं, इस जगह पे जहाँ पे हम अभी बैठे हैं उन गाँव में, यहाँ पे हमें लगता है 20+ चलता है, बहुत जगह बोर्ड नहीं है लेकिन सब जगह चलता है। 6 क्लिनिक बंद हो पाएगी क्या? क्योंकि कई बार पूर्व में भी जाँच इस तरह की जो बातें हैं सामने आ चुकी है, लेकिन वो जो उसका धंधा है वो फलफूल ही रहा है। देखिए, बंद होगी सब कुछ, जनता जागरूक होगा हर एक चीज़ बंद होगा, सबसे पहले जनता को जागरूक होना पड़ेगा। आप क्या होता है ना कि उसका गया, हम लोग क्या सोचते हैं कि इनके साथ हुआ हमारा क्या जा रहा है, कल होकर के वो हमारे साथ भी होगा। जागरूकता सबसे ज़रूरी चीज़ है, हमारा यही है, हम आज इसलिए आप लोग को बुलाया है कि जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है कि सही क्या है, गलत क्या है। हम एक्सप्लेनेशन एक बार में बोल दिए ना, सब्जी खरीदने मार्केट में जाते तो हम देख के खरीदते, तो जान के लिए जहाँ इलाज कराने जाते वहाँ क्यों नहीं देखते भाई आप, वहाँ देखना जरूरी है ना। प्रशासन से क्या मांग करेंगे जो फर्जी घोषित होने के बाद? देखिए, जो फर्जी घोषित हुआ है उसको अति शीघ्र बंद होना चाहिए, नहीं बंद हुआ तो हम यहाँ पे किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, हमारे लाखी क्षेत्र के लिए, अपने जनता के लिए करने के लिए हम दोनों भाई मिल करके एक उग्र आंदोलन का तैयारी करेंगे, और एक बार जा करके इसके रिगार्डिंग हम लोग खुद जा करके डीएम साहब से मिलेंगे, और हम लोग का कोशिश रहेगा कि जो बंद 6 है वो किसी भी तरह बंद हो, या तो फुल्ली डॉक्टर रख करके रजिस्ट्रेशन करवा करके अपना रन करे, बहुत खुशी की बात होगी। दूसरा चीज़, जो बाकी भी है उस पर भी नकेल कसा जाए। आप तमाम जी राघवेंद्र जी, आपके अथक प्रयास से यहाँ पर 6 को नोटिसन की बात बताई जा रही है, बंद होने की जो घोषणा हुआ, सिर्फ घोषणा ही है, और पता चल रहा है कि अब भूख हड़ताल करने वाले हैं अभी बंद नहीं करते।
देखिए अभी मधुबनी जिला में बहुत सारे ऐसे प्रखंड हैं जहाँ पे अवैध नर्सिंग होम का चल रहा था और बहुत सारे जगहों पे कार्रवाई भी हुई है। हरलाखी प्रखंड में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जांच के नाम पे सिर्फ खानापूर्ति हुआ। लगातार दो सालों से आप लोगों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से, जब जब भी हरलाखी में कोई छोटी बड़ी घटनाएँ होती थी नर्सिंग होम के द्वारा, तो हम लोग इसको लेकर के आवाज़ उठाने का काम करते थे। पिछले दिनों जब वहाँ प्रखंड में जो स्वास्थ्य समिति होता है, रोगी कल्याण समिति, उस समिति के बैठक में हम लोगों ने पहले बैठक में निर्णय पास करवाया था कि जितने भी प्रखंड क्षेत्र के नर्सिंग होम हैं सबको बंद किया जाए। उसके बाद प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा जितने भी अवैध नर्सिंग होम संचालित हैं, यहाँ पर कुल 30 या 35 के आसपास में हैं, उन सभी को नोटिस भेजा गया कि आप जितने भी लोग हैं वो नर्सिंग होम बंद कर लें, उसके यदि नहीं करेंगे तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रखंड के द्वारा अब तक जितना मुझे पता है 4 नोटिस हर 3 महीने पे हर एक नर्सिंग होम को दिया गया, लेकिन 2 साल बीतने के बाद भी किसी भी नर्सिंग होम वालों ने ना तो रजिस्ट्रेशन करवाया ना नर्सिंग होम उन्होंने बंद किया। आए दिन फिर से वही घटना, जो मौत की घटनाएँ हैं होती रहती हैं। यहाँ के जो कुछ स्थानीय लोग हैं, जो एक पॉलिटिकल पार्टी जो यहाँ के हैं, उनके भी लोग उनको संरक्षण देने का काम करते हैं, जो आए दिन आप लोगों को भी दिखता होगा, या वो 15 अगस्त में हो या फिर विभिन्न तरह के कैंप के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा, जो पद पे हैं, पदधारी हैं और उन्होंने संरक्षण देने का काम करते हैं। उसके बावजूद भी मिथिला स्टूडेंट यूनियन और हम लोगों ने, संतोष भैया लगातार हम लोगों के सहयोगी रहे हैं, और एक हरलाखी कैसे विकसित हो, कैसे यहाँ पे व्यवस्था सुदृढ़ हो, उसके लिए लगातार ये चिंतित रहते हैं और हम लोग आपस में काम बातचीत करते रहते हैं लगातार। तो हम लोगों ने एक निर्णय किया कि इसको लेकर के हम लोग जो लोग जन शिकायत में आवेदन करें, और आवेदन करने के बाद यहाँ पर जाँच हुई और हरलाखी प्रखंड में पहली बार जिला से कोई भी पदाधिकारी यहाँ पर आए जो नर्सिंग होम का जाँच हुआ। और जांच में जितने भी बड़े बड़े संस्थान थे नर्सिंग होम के, यहाँ पे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जितने भी बड़े बड़े संस्थान थे जो अपने आप को बहुत बड़े हॉस्पिटल के ऑनर समझते थे या डॉक्टर समझते थे, जिसको बहुत सारे लोग समझते थे कि ये संस्था रजिस्टर्ड होगा, लेकिन तमाम संस्था जो है वो फर्जीवाड़ा निकला। कहीं पे कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था, और कहीं सिर्फ और सिर्फ कहीं ऑपरेशन किया हुआ 10-20 मरीज था। जब डॉक्टर यहाँ पे जांच में आए तो बहुत सारे नर्सिंग होम के संचालक हों या तथाकथित डॉक्टर हों, वो सब वहाँ से भाग गए। उस दौरान भी पेशेंट की मृत्यु हो सकती थी, लेकिन संजोग अच्छा था जो नहीं हुआ, तो हम भगवान के शुक्रगुजार हैं जो इस तरह की कोई घटना ना हुई उस दिन। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी नर्सिंग होम वालों ने बंद नहीं किया। जब वहाँ पे अगला डेट हुआ, डेट में हम लोगों ने बोला कि आपका रिपोर्ट क्या हुआ जो आप लोगों ने जांच किया, तो उन्होंने 6 नर्सिंग होम का जांच रिपोर्ट हम लोगों को सबमिट किया है जो आपको मैं दे सकता हूँ। और उसमें से 2 ऐसे नर्सिंग होम थे जहाँ पे 10 ऑपरेशन किया हुआ मरीज, जो सिविल सर्जन का जांच रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में उनके द्वारा बताया गया कि इस क्लिनिक में 10 ऑपरेशन किया हुआ मरीज मिला, वहाँ पर कोई भी डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं थे, वहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन उनका नहीं था, जो सिविल सर्जन के द्वारा बताया गया। तो उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगा, जो सरकार का दिशा निर्देश है, और उनको क्लिनिक बंद करने का बात उसमें कही गई है। लेकिन आज लेटर निकले, 19 तारीख को लेटर निकला है सिविल सर्जन का, इनके यहाँ 20 या 21 तारीख को रिसीव हो गया है, और आज आपको 28 तारीख है। अभी तक बहुत सारे नर्सिंग होम चलिए रहे थे, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने जब प्रशासन पे दबाव डाला तो वो बहुत सारे जो नर्सिंग होम हैं वो आगे में अपना एक पोस्टर लगा दिए हैं कि नर्सिंग होम बंद है, लेकिन वो तब पर भी वो अंदर से काम कर रहे हैं। अभी डॉक्टर संतोष साहब ने बताया आप लोगों को कि यहाँ के जनता को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। जब आपको पता है कि हम वहाँ जाएंगे तो हमारी मौत निश्चित है, उसके बाद भी यदि आप वहाँ जाएंगे तो आप मौत के जिम्मेदार आप स्वयं बन रहे हैं, ना कि यहाँ के लोग या आम कोई हम जैसे प्रतिनिधि या इन जैसे प्रतिनिधि। तो लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। और आने वाले दिनों में जो आपने बताया कि आप क्या करेंगे, तो आपने देखा होगा कि बेनीपट्टी अनुमंडल, जस्ट अंडल में हरलाखी प्रखंड भी आता है, और बेनीपट्टी अनुमंडल के जो एसडीओ हैं वर्तमान में, उन्होंने एक नर्सिंग होम को सील करवाने का काम की है। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन आप लोगों के माध्यम से करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में जो बेनीपट्टी प्रशासन है वो इस मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए और हरलाखी में जितने भी अवैध नर्सिंग होम हैं उसको ससमय रहते हुए उसको बंद करने का काम करेंगे। यदि नहीं करेंगे तो हम लोग
संघर्ष के आदि हैं, संघर्ष करना जानते हैं और हम लोग संघर्ष करेंगे। और प्रशासन को यदि पैसा लेकर के चाह रहे हैं कि हम उसको मामले को निपटा देंगे या फिर मामला पुराना हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो मामले को ख़त्म करके फिर से अवैध नर्सिंग होम चलेगा, तो मैं प्रशासन को आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ कि हरलाखी में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होगा जिससे यहाँ के आम लोगों को नुकसान पहुँचे, इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। राजवेंद्र जी, कल जो आपके सुनवाई थी इस कार्यक्रम को लेकर, इसको करवाई को लेकर, क्या कुछ वहाँ निकाला गया है? देखिए, 6 नर्सिंग होम में 2 नर्सिंग होम के जो संचालक हैं उनके द्वारा जो फाइन की जो राशि थी 50,000, वो वहाँ पे जमा किया गया है, बाकी लोगों के द्वारा अभी जमा नहीं किया गया है। मेरा नाम राघवेंद्र रमन, मिथिला स्टूडेंट यूनियन जिला अध्यक्ष मधुबनी। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।